नमस्कार, नेट के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका स्वागत है। जो प्रश्न है ये आपका शोध की नैतिकता से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि औचित्यकरण जो आपका होता है वह स्पष्ट करता है, औचित्यकरण के बारे में अभी हम जानेंगे कि क्या होता है, वह स्पष्ट करता है। ऑप्शन है शोध के अंतर्निहित सत्य को, शोध की तार्किकता को, शोध के महत्व को, या शोध की उपयुक्तता को। तो कहते हैं औचित्यकरण मतलब कोई चीज़ क्यों की जा रही है। तो यहाँ आपका एक पॉइंट होता है शोध का औचित्य, ठीक है, अध्ययन की आवश्यकता। दो टर्म आपने सुना, एक तो अध्ययन करके दिया होगा कि अध्ययन की आवश्यकता, इसी को कहीं कहीं लिखते हैं क्या शोध का औचित्य। तो दोनों आपका सेम पॉइंट होता है। ये अक्सर जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं तो हमारा सेकेंड टर्म होता है। जैसे हम प्रस्तावना लिखते हैं, ठीक है, प्रस्तावना जब भी लिखते हैं तो उसके बाद हम लिखते हैं कि हमने शोध के जो शोध की समस्या उसका चुनाव क्यों किया। तो वहाँ पे एक आपका पॉइंट आता है शोध का औचित्य। ये पॉइंट आपके थीसिस में भी होता है, अगर आप डिसर्टेशन कर रहे हैं तो डिसर्टेशन में भी होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि औचित्यकरण स्पष्ट करता है, तो ये यहाँ तो औचित्यकरण आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आया कहाँ से। यहाँ हम कई हेडिंग्स पढ़ते हैं, जैसे प्रस्तावना हुआ, शोध का औचित्य हुआ। अब किसी सिनॉप्सिस में बहुत सारे शोध अभिकल्प हुए, जनसंख्या हुई, न्यायदर्श, न्यायदर्शन, संदर्भगत सूची। तो यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट आता है शोध का औचित्य या अध्ययन की आवश्यकता, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। यह प्रश्न शोध की नैतिकता के अंतर्गत आ सकता है, और इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम जब भी कोई शोध करते हैं तो वो क्यों लिया, हमने टॉपिक क्यों लिया, इसका अर्थ हमें कौन बताता शोध का औचित्य। तो ये अंतर्निहित सत्य को बताएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक हम अध्ययन ही नहीं करेंगे तब तक हमें सत्य कहाँ से पता चलेगा, हमने चुनाव क्या क्यों किया ये हम ये बता नहीं बता सकते कि सत्य क्या है। क्यों, अभी तो हम अध्ययन करेंगे, हमने ये टॉपिक क्यों लिया, इसमें समस्या थी तभी ना लिया, हमें इसके सत्य को पूर्णता नहीं जाना या पूर्णता नहीं परखा, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो गया। शोध की तार्किकता को बढ़ाना, तो शोध की तार्किकता की बात करी जाए तो शोध की तार्किकता को बढ़ाने के लिए औचित्यकरण का यूज़ नहीं होता। तार्किकता के बढ़ाने के लिए अन्य चीज़ें होंगी, लेकिन शोध हम क्यों कर रहे हैं इसका आंसर आपका औचित्यकरण देता है, जो शोध की तार्किकता को नहीं बढ़ाता है। आंसर थोड़े थोड़े चीज़ें आपको हर जगह कोलैप्स करेंगी, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या होगा, शोध के महत्व को। तो आपको पता है कि हमने शोध की समस्या क्यों ली, इससे रिलेटेड, ना कि पूरे शोध के महत्व को। यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर जो है यहाँ पे शोध की उपयुक्तता को, आखिर शोध हम क्यों कर रहे हैं, आपका आंसर यही सही है। शोध की उपयुक्तता को ही स्पष्ट करने के लिए शोध का औचित्य हम लिखते हैं, या हम जानते हैं कि हमने शोध में जो समस्या ली वो क्यों ली। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है शोध की उपयुक्तता।